बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की। जैसे हरियाणा के अंदर आज चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो आज हम पिंजौर में इनेलो पार्टी के प्रत्याशी भाई सतविंदर टोनी से बात करते हैं कि चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है। सबसे पहले तो आपका अर्थ प्रकाश में स्वागत है। धन्यवाद आपका पत्र। विधानसभा चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं? विधानसभा चुनाव को हम पहली बार लड़ रहे हैं और अच्छी तरह लड़ेंगे। इसको कालका एक नंबर विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से अनेलो पार्टी ने मुझे टिकट दिया है और इस टिकट के व्याप पे मैं अनेलो के व्याप पे यहाँ से कालका से चुनाव लड़ रहा हूँ। जैसे आज देख रहे हैं भाजपा 70-75 पार का नारा लगा रही है, तो उसको क्या मानते हो आप? ऐसे है, भाजपा जो मर्जी कहे, ये तो जनता जनार्दन ने बताना है क्या है 70 पार है या 75 पार है, ये तो जनता डिसाइड करेगी 21 तारीख। जैसे आज हमारे कालका पिंजौर या पंचकुला की बात करें तो नशे का कारोबार बहुत बढ़ रहा है, यदि आपकी सरकार बन के आती है तो आप उस पर क्या करेंगे? ये तो सरकार की बात कर रहे हैं, इस मुद्दे को तो मैंने पार्षद होते हुए भी सबसे पहले DCP पंचकुला को इसके बारे में एक ज्ञापन दिया था। सरकार की बात नहीं है तो हमारी सामाजिक काम भी है इस नशे के खिलाफ तो चलना। तो चुनाव में आप किन मुद्दों को लेकर आए? हम चुनाव में लोकल मुद्दों को, कालका विधानसभा के जो हमारी विधानसभा है, यहाँ हमेशा बाहर का कैंडिडेट ही प्रत्याशी जीत कर गया है, इस बार मैं पहला हूँ जो यहाँ से लोकल कैंडिडेट लड़ रहा हूँ, यहाँ के सभी मुद्दों से मैं भलीभांति वाकिफ हूँ। जैसे देवीलाल जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया था और उन्होंने उस पद को छोड़ दिया गया था, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वो तो एक बहुत बड़े समाजसेवी थे, उनको प्रधानमंत्री भी ऑफर आई थी, लेकिन उन्होंने वादा किया था बीपी सिंह के साथ भी, मैं आपको प्रधानमंत्री बनाऊंगा, उन्होंने अपना वादा पूरा किया था। हम ताऊ देवीलाल की कौन रिस कर सकता है आज की डेट में? कोई नहीं कर सकता। जननायक चौधरी ताऊ देवीलाल की कोई रिस नहीं कर सकता। जच्चा बच्चा योजनाएँ जो आज चल रही हैं सब उन्हीं की देन है। ताऊ जी एक बार कहते हैं, अभी अपनी गाड़ी में जा रहे थे, किसी डिलीवरी होने उन्होंने देखा भी काम कर रही है महिला, उसी टाइम उन्होंने जाके पास कर दिया था भी जिस भी महिला के बच्चा होने के लिए हो उसको कुछ पैसे फिक्स कर दिए थे भाई, उसको दूध और उसके लिए पैसे दिए जाए। जैसे देवीलाल ने पेंशन योजना शुरू की थी, यदि आपकी सरकार बन के आती है तो बुजुर्गों के लिए आप पेंशन योजना? जो हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो होगा उस हिसाब से चलेगा। ये थे इनेलो पार्टी के उम्मीदवार सतविंदर टोनी, कैमरामैन हरमित के साथ मेनपाल कटकवाल। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।